इस क्वेश्चन में हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है और वो डेसिमल नंबर है बेटा 0.123 बार। इसमें नोट करने की बात यह है बेटा, जो बार है ना वो ओनली ऑन डिजिट 3 है, 1 और 2 के ऊपर नहीं है। इट्स मीन ओनली 3 को ही हम रिपीटिंग ब्लॉक में लेंगे, यानी कि 3 ही रिपीट होगा इनफिनाइट टाइम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.12 बार हटा के बेटा आप 3 को रिपीट करवा दो, 1 2 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, पी बाय क्यू फॉर्म में। अब पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा एक मेथड होता है, उसमें हम सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, इसको लेट एक्स इज इक्वल टू 0.123 बार और 0.12333 अप टू इन्फिनिटी। जो ये डिजिट के ऊपर बार है ना, ये शो कर रहा है कि जो डिजिट 3 है ना, इट इज़ बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, और इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम देखेंगे कि अंडर द बार, बार के अंडर कितनी डिजिट्स हैं। ओनली 1 डिजिट है, डेट इज़ 3। एक ही डिजिट है ना अंडर द बार, और उसका मतलब है कि डिजिट 3 रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन अप टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई उसकी बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, और अगर बेटा अंडर द बार 2 डिजिट्स होती, डबल डिजिट होती, तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते। अगर अंडर द बार 3 डिजिट्स होती तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते। अभी हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे क्योंकि अंडर द बार ओनली 1 डिजिट है। जब हम इक्वेशन 1 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करें तो उसके LHS को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, और जब RHS को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम वो वाला नंबर लेंगे जिसमें हमने 3 को रिपीट करा के लिखा है। ओके, तो 0.12333 अप टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देंगे। ओके, तो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो LHS में तो 10x रहेगा। अब RHS में क्या होगा बेटा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 10 के आगे ओनली सिंगल जीरो है, तो जब एक जीरो होता है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को एक प्लेस राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, राइट पे शिफ्ट कर देंगे एक प्लेस, और अगर 100 होता तो 2 प्लेस शिफ्ट करते। अब क्योंकि ओनली 10 है तो हम 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1.23333 अप टू इन्फिनिटी, 3 अप टू इन्फिनिटी रिपीट होगा, और ये हमारी इक्वेशन 2 कंसीडर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना होगा। दैट मीन पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 1.23333 अप टू इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। माइनस इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू, इसमें बेटा हम जो जिसमें हमने 3 को रिपीट करा के लिखा है वही वाला नंबर लिखना है, तो 0.12333 अप टू इन्फिनिटी। हम बेटा जो 3 रिपीट हो रहा है ना उसको हम जितने मर्जी बार टाइम्स लिख सकते हैं, चाहे 4 बार लिखे, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट 10x में से अगर हम 1x माइनस करें, क्योंकि x का कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो बेटा जितने भी ये इसमें 3 रिपीट हो रहे हैं और इसमें जितने 3 रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 सबको 3 3 को रिपीट को माइनस करके यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अब माइनस करते हैं तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 होगा, और यहाँ पर 3 माइनस 2 1, और 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1, और देन इधर पॉइंट आ जाएगा, और फिर 1 माइनस 0 1, तो ये हमने सेपरेट करा दिया। अब बेटा आफ्टर डेसिमल जो लास्ट वाले जीरोज हैं ना उनको चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, ये जीरोज हम हटा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि लास्ट वाले जीरोज़
ना भी लिखे ना तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हटाने से, लास्ट वाले जीरोस को हटाने में डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स इज इक्वल टू इधर 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1.11 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई था इधर 1.11 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, आफ्टर डेसिमल हाउ मैनी प्लेसेस आर देयर, दो प्लेसेस हैं, और ये बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, रिपीटिंग ब्लॉक में कुछ नहीं है, तो ये अब टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डेसिमल रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में दो जीरो बढ़ा देंगे। दो जीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि आफ्टर डेसिमल देयर आर टू डिजिट्स, दो डिजिट्स थी ना, एक वन और सेकेंड वन, दो डिजिट्स, तो इसलिए हमने डबल जीरो डाले। अगर आफ्टर डेसिमल ओनली वन प्लेस होता तो एक जीरो डालते, और अगर आफ्टर डेसिमल थ्री प्लेसेस होते तो थ्री जीरोज होते, तो क्योंकि अभी टू प्लेसेस थे आफ्टर डेसिमल तो इसलिए हमने डबल जीरो निकाल, 9 डबल जीरो। अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लो बेटा, 111 डिवाइडेड बाय 337, और 900 डिवाइडेड बाय 3 300। सो पी बाय क्यू फॉर्म हमारी क्या आ गई, 37 अपॉन 300।